व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी की पूड़ी बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, 2 चम्मच बेसन हम इसमें यूज करेंगे, 1 कप मेथी ली है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी इसमें यूज कर सकते हैं। पानी हमें चाहिए आटा गूंदने के लिए और 2 टेबलस्पून ऑयल हम इसमें यूज करेंगे आटा गूंदने के लिए। साथ ही हम यूज करेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। तो ये तो हुए इंग्रेडिएंट्स। अब हम जानेंगे कि आटा किस तरीके से गूंधेंगे। सबसे पहले हम आटे में बेसन मिलाएंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी हल्दी। ये मसाले मैंने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूं मेथी और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम पानी ऐड करना शुरू करेंगे। ये देखिए, धीरे धीरे हम इसमें पानी ऐड करेंगे और आटे को अच्छे से नीट कर लेना है। ये देखिए, मेरा आटा नीट हो चुका है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढककर फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसकी पूड़ी बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ऑयल कढ़ाई में गर्म कर लिया है। आटे का इस तरीके से एक छोटा सा बॉल बना लेंगे और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे। सूखा आटा थोड़ा सा डस्ट करेंगे इसमें, फिर इसे इस तरीके से रोल कर लेंगे। आप ओवल शेप की भी पूड़ी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं। मुझे ओवल पसंद है इसलिए मैं ओवल शेप की बना रही हूँ। देखिए, ये हमारी पूड़ी बेल चुकी है। अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। इस तरीके से जब ये फूल कर थोड़ी सी ऊपर आ जाए तो आप इसकी साइड चेंज कर दीजिए। दो तीन बार आप साइड चेंज करके इसे अच्छे से पका लीजिए। पूरी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे।
हैं इस तरीके से। जब ये फूल के ऊपर आ जाए हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए पूरी फूलना शुरू हो गई है। दोनों साइड से इसे अच्छे से बार बार साइड चेंज करके हम इसे पका लेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे निकालेंगे। 2 से 3 मिनट का टाइम इस पूरी को पकने में लगता है। देखिए ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म मेथी की पूड़ियां तैयार है। तो आप भी बनाइए ये टेस्टी और क्रिस्पी पूड़ियां। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक के बटन पर हिट करना मत भूलिए। आप इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको मिल सकें। एक अच्छी सी रेसिपी लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।